नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ एक विवादित विषय है जिसके बारे में चर्चा करूंगा। साथियों, ये विषय है कि पिता की संपत्ति पे पुत्र और पुत्रियों का कितना अधिकार रहता है और ये अधिकार उनका कब से रहता है, और पिता की संपत्ति पे पुत्र और पुत्री कब दावा कर सकते हैं कि संपत्ति उनको मिल सकती है। साथियों, ये सवाल मेरे से कई लोगों ने पूछा और इस सवाल को समझने के लिए अगर आपको इसका उत्तर समझना है तो आपको हमारे भारतीय कानून में सिविल प्रोसीजर कोड CPC जिसे बोलते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसके अलावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इन एक्ट को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसका उत्तर समझ पाएंगे। लेकिन आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जो कानून की जो क्लिष्ट भाषा है, जो टफ लैंग्वेज है, उसको मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसके जरिए आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि इन सारे प्रश्न जो हमने आपको बताए हैं इनका क्या उत्तर है, और सुप्रीम कोर्ट के क्या का जो मैं आपको जजमेंट बताऊंगा उसके माध्यम से आप इसको आसानी से कहीं भी कोर्ट कर सकते हैं। मीन्स आप किसी को बता सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसी कभी जरूरत पड़े कि आपको कोर्ट में पेश करना हो तो आप इस जजमेंट का कोर्ट में हवाला दे सकते हैं, और जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसका आप एफिडेविट से आप उसको कोर्ट का प्रूफ के रूप में बता सकते हैं कि हाँ, ये इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है। साथियों, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये केवल उन लोगों के लिए है जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से गवर्न होते हैं। मीन्स कि जो मुस्लिम एक्ट है वो कुछ अलग तरीके से गवर्न होता है, लेकिन जो हिंदू हैं उनके लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में जिन जिन कानून का जिक्र करूँगा वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, दूसरा है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, तीसरा है CPC। इसमें से दो तीन एक्ट हैं जो सभी के लिए यूनिक कंप्लाई होते हैं, अप्लाई होते हैं, लेकिन इसमें से जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है ये केवल हिंदुओं के लिए ही अप्लाई होता है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा, जो हिंदू हैं और वो उसमें भी जो मिताक्षरा विद से गवर्न होते हैं, मिताक्षरा विद से ऑलमोस्ट इंडिया का केवल बंगाल और कुछ एरिया है, बहुत कम एरिया है जो इससे प्रभावित होता है, बाकी बहुत सारे एरिया में आप कह सकते हैं कि अमाउंट पूरे भारत देश में इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो साथियों, सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन किया कि पिता की संपत्ति के पुत्र और पुत्रियों का कितना अधिकार रहता है, आप इसका जवाब जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास इस बात का जवाब होना चाहिए कि पिता की जो प्रॉपर्टी है, आप जिस प्रॉपर्टी में हिस्सा जताना चाह रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी में आप ऐसा बोल रहे हैं कि आपका हक होता है और आपको प्रॉपर्टी चाहिए, तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि वो जो प्रॉपर्टी पिता के पास है वो उनकी खुद की कमाई हुई संपत्ति है या फिर उनको अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है। अब हम समझते हैं कि खुद की कमाई हुई संपत्ति क्या होती है और पूर्वजों से प्राप्त हुई संपत्ति क्या होती है। साथियों, खुद की कमाई हुई संपत्ति का मतलब होता है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की जिसकी उम्र 40, 50, 60 साल है, और वो व्यक्ति उम्र का ऐसा इसमें कोई ऐसा कुछ बताया नहीं है, लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर 60 साल की उम्र में कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद रहा है, पिता कोई खरीद रहा है, तो उसमें बेटे का भी अधिकार रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी अपने जीवन काल में अपनी कमाई हुई पूंजी से कोई भी संपत्ति खरीद रहा है तो वो उसकी स्व आर्जित संपत्ति मानी जाएगी, बशर्ते वो उसकी खुद की कमाई से होनी चाहिए। अगर वो उस संपत्ति को खरीदने के लिए अपने परिवार वालों की मदद ले रहा है, अपने पुत्र की मदद ले रहा है, अपने वाइफ की मदद ले रहा है, अपने भाइयों की मदद ले रहा है, तो साथियों वहाँ पे वो उसकी सेल्फ अर्निंग प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो उस कंडीशन में उसकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो सकती है लेकिन सेल्फ अर्निंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। तो फिलहाल हम इस नए सब्जेक्ट को टच नहीं करेंगे ज्वाइंट प्रॉपर्टी को, हम यहाँ पे केवल अभी देख रहे हैं कि सेल्फ अर्निंग प्रॉपर्टी क्या होती है जिसको हम स्वार्थित संपत्ति बोलते हैं, दूसरा है पैटर्नल प्रॉपर्टी क्या होती है जिसको हम पैतृक संपत्ति बोलते हैं। तो आपने समझा, स्वार्थित और पैतृक संपत्ति वो होती है जो कि उस व्यक्ति को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है। पूर्वजों से प्राप्त हुई है इसका मतलब होता है कि हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी उसके पिता ने अर्न किया हो, उसके पिता के मृत्यु के बाद वो प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई हो सकता है उसके दादा ने अर्न किया हो, दादा के मृत्यु के बाद वो प्रॉपर्टी उसके पिता के नाम आई, पिता की मृत्यु के बाद वो प्रॉपर्टी उसके अब उस व्यक्ति के नाम आ गई, तो उस कंडीशन में वो प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति कही जाएगी, पैटर्नल प्रॉपर्टी कही जाएगी। अब साथियों, इन दोनों संपत्तियों में जो अगर सेल्फ अर्निंग प्रॉपर्टी है तो उसमें एक अलग तरीके से बंटवारे का नियम होता है, और जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है, जो पैतृक संपत्ति है, उसमें अलग तरीके से बंटवारा का नियम होता है और उसमें पुत्र पुत्रियों का हक अलग तरीके से होता है। सबसे पहले हम देखते हैं अगर सेल्फ अर्निंग प्रॉपर्टी है तो
साथियों, अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अपने खुद की पूंजी से कोई भी संपत्ति कमाई, कोई भी संपत्ति क्रय किया है, तो उस कंडीशन में उसके पुत्र पुत्रियों का और उसकी वाइफ का कोई भी अधिकार नहीं रहता है उस व्यक्ति के जीते जी, उस व्यक्ति के जीवन काल में। यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ जीवन काल में, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं उस प्रॉपर्टी में अपने हक जता सकते हैं, और उनके जो पुत्र पुत्रियां और जो वाइफ है उनको उस प्रॉपर्टी में से सभी को बराबर का हिस्सा मिलता है। काफी लोगों को गलतफहमी है कि अगर पिता की जो प्रॉपर्टी है उसमें बेटे बेटियों का उसके जीवित रहते ही हक होता है, तो वो गलतफहमी, वो ये आपको गलत धारणा है। अगर पिता की सेल्फ अर्निंग प्रॉपर्टी है तो उसमें बेटे और बेटियों का कोई भी अधिकार नहीं रहता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत। इसके लिए आपको मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट भी बता रहा हूँ, उस जजमेंट को आप देख सकते हैं और इस जजमेंट की भाषा को समझेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको जो जिसमें एक अवधारित किया है, जो बताया है कि सेल्फ अर्निंग प्रॉपर्टी को पिता जो भी व्यक्ति है वो अपने तरीके से उसको चाहे तो किसी को बेच सकता है, चाहे तो किसी के नाम वसीयत कर सकता है, चाहे तो किसी को दान कर सकता है, या फिर उसकी जो भी इच्छा है वो कर सकता है। उसके जीवन काल में उसके पुत्र और पुत्रियां और वाइफ उस पर अपना कोई भी हिस्सा हक नहीं बता सकते हैं। इसके जो पहला जजमेंट है साथियों, ये है घनश्याम विरुद्ध कन्हैया लाल के नाम से है। ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा अभी निर्धारित हुआ था, और इस जजमेंट में कुछ ऐसा बताया गया है कि पिता के नाम राजस्व जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जो जिसको आप कह सकते हैं कि खसरा है, खतौनी है, उसमें पिता के नाम संपत्ति दर्ज थी और बेटे बेटियों ने उसमें हक जताया। उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है इसमें हमें हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन उनका दावा खारिज कर दिया गया उनके बेटे बेटियों का इस आधार पे कि जो पिता की जो संपत्ति है वो उनकी सेल्फ अर्निंग प्रॉपर्टी है। उन्होंने अपने बिजनेस के पैसे से, अपने नौकर अपने व्यापार के पैसे से और अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे से संपत्ति अर्जित किया है, इसलिए इसमें बेटे और बेटियों का कोई भी हक नहीं है। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ दूसरा जजमेंट है जिसमें ऐसा बताया गया है कि स्व अर्जित संपत्ति को उसका स्वामी अपने हिसाब से व्यय कर सकता है, चाहे तो अपने हिसाब से किसी को दे सकता है। साथ ही ये जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ था, और ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हैहर सेट्टी वर्सेस लालू किशोर सेट्टी, ये 2002 का जजमेंट है। और इसमें ऐसा स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी संयुक्त परिवार में रहते हुए भी कोई भी व्यक्ति स्व अर्जित संपत्ति अपने नाम से कोई भी व्यक्ति स्व अर्जित संपत्ति बना सकता है और उसको अपने हिसाब से वो चाहे तो किसी को बेच सकता है, किसी को दान कर सकता है। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है संयुक्त परिवार में होते हुए भी, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अमूमन अवधारणा ये होती है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक संयुक्त परिवार है उसमें जो पिता है उसके तीन बेटे हैं और एक बेटी है, उसकी वाइफ है, इस तरीके से उसके चार पांच उसके उत्तराधिकारी हो गए और उस व्यक्ति को अपने पिता से भी संपत्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कुछ प्रॉपर्टी अपने खुद की कमाई से ही बनाई हुई है। तो साथियों, उस व्यक्ति ने जो प्रॉपर्टी अपने खुद की कमाई से बनाई है तो वहां पे केवल उसी व्यक्ति का अधिकार रहेगा, भले उसको और भी जो संपत्ति हो पैतृक संपत्ति प्राप्त हुई है। तो पैतृक संपत्ति का जो बंटवारा होगा वो अलग तरीके से होगा, लेकिन अगर कोर्ट में वो व्यक्ति ये साबित कर देता है कि ये जो संपत्ति है हमारी खुद की सेल्फ अर्निंग, हमने इसको अपने खुद की पूंजी से इसको खरीदा हुआ है, तो वहाँ पे केवल उसी व्यक्ति का अधिकार रहेगा और उस जो उसकी सेल्फ अर्निंग प्रॉपर्टी है उसमें उसके बेटे बेटियों और बेटी और उसके वाइफ का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। इसी प्रकार से साथ ही एक तीसरा जजमेंट है जिसमें ऐसा बताया गया है कि स्व अर्जित संपत्ति पर पिता का स्व अर्जित संपत्ति पर व्यक्ति का पूर्णतः अधिकार रहता है और वो उसको अपने तरीके से किसी को बेच सकता है या फिर किसी को दान कर सकता है। ये जो जजमेंट है ये ये आपका अरुणाचल विरुद्ध मुर्गानाथ के नाम से है और ये AIR 1983 में पब्लिश हुआ था। अब ये तो हमने समझा सेल्फ अर्निंग प्रॉपर्टी के बारे में। अब साथियों, जो दूसरा जो हमने जो विषय है वो है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति में जो संपत्ति का बंटवारा होता है वो अलग तरीके से होता है। सबसे पहले समझते हैं पैतृक संपत्ति क्या होती है। पैतृक संपत्ति साथियों वो संपत्ति होती है जो किसी को भी अपने पिता या उसको अपने दादा या अपने परदादा से प्राप्त होती है, वहाँ पर वो संपत्ति पैतृक संपत्ति कही जाएगी। अब पैतृक संपत्ति पे एक वर्ड यूज किया गया है हमारे कानून की भाषा में कोपासनरी, जिसका हिंदी मतलब होता है सहदायकी। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है,
ए ने कोई भी प्रॉपर्टी अर्न किया वो उसकी सेल्फ अर्निंग प्रॉपर्टी है। उसके बाद उसके उसका जो बेटा है वो बी है, बेटे का जो बेटा है सी है, और उस बेटे के बेटे का भी बेटा जो है वो डी है। मीन इस प्रकार से आप कह सकते हैं जो ए का जो बेटा है बी है, ए का जो पोता है वो सी है, और जो उसका परपोता है वो डी है। तो साथियों हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में ऐसा बताया गया है कि पैटर्नल प्रॉपर्टी में जो पैतृक संपत्ति है उसकी चार पीढ़ियों का हक होता है। अब उस कंडीशन में मान लीजिए कि ए की सेल्फ अर्निंग प्रॉपर्टी है, लेकिन ए ने उस प्रॉपर्टी को किसी को बेचा नहीं, किसी के नाम वसीयत नहीं किया, तो जब ए की मृत्यु होगी तो उसके बाद ऑटोमेटिक वो वारसाना नामांतरण के थ्रू वो जो प्रॉपर्टी है वो बी के नाम हो जाएगी। अब बी के नाम जो प्रॉपर्टी हो गई, तो जैसे ही प्रॉपर्टी बी के नाम होती है, बेटे के नाम होती है उसके, लेकिन वहाँ पे जब तक कि बी के बेटे का जन्म नहीं हुआ, जब तक कि सी का जन्म नहीं हुआ, तब तक बी का पूर्ण अधिकार रहता है, अपने तरीके से उसको बेच सकता है, किसी को दान कर सकता है। लेकिन साथियों जिस दिन से बी के बेटे सी का जन्म होता है, उसी दिन से सी का अपने पिता की संपत्ति पे अधिकार हो जाता है, क्योंकि वो उसके पिता की पैतृक संपत्ति है। पिता ने खुद अर्न नहीं किया, पिता को वो संपत्ति अपने पिता से मिली थी। इसका मतलब कि सी को वो प्रॉपर्टी अपने दादा, जो प्रॉपर्टी जो सी जिसमें सी का हिस्सा हो रहा है वो बी की नहीं है बल्कि ए की प्रॉपर्टी है, मीन उसके दादा की प्रॉपर्टी है। इस प्रकार से सी का जन्म होते ही सी भी उसमें बराबर का हिस्सेदार हो जाता है जितना की हिस्सा बी का रहेगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी पैटर्नल प्रॉपर्टी है तो आप पिता के जीवित रहते भी आप उस प्रॉपर्टी पे अपना हक जता सकते हैं। अब इसके लिए हम कुछ जजमेंट को समझते हैं। इसमें जजमेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है, एक वेल नोन जजमेंट है साथियों, ये रोहित चौहान विरुद्ध सुरेंद्र सिंह एवं अन्य, ये AIR 2013 में पब्लिश हुआ था। और इस जजमेंट में जो मैंने आपको बात बताई इसका बृहद वर्णन है, और उसको बताने से आपका ऐसे कोई विशेष आपको फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन उसमें से जो एक लाइन आपके काम की हो सकती है कि पैतृक संपत्ति पे जन्म लेते ही पुत्र का अधिकार सृजित हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि सेल्फ अर्निंग प्रॉपर्टी और पैतृक संपत्ति में दोनों में किस तरीके से बंटवारा होता है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब साथियों जो तीसरा सवाल है कि कुछ लोगों ने कहा कि पूछा कि कोई भी पैतृक संपत्ति है, अब किसी जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया कि ए बी सी डी का, तो मान लीजिए कि ए की मृत्यु के बाद वो प्रॉपर्टी बी के नाम हो गई, और सी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, मैं सी भी इस दुनिया में ही है, तो क्या बी जो प्रॉपर्टी उसको ए से मिली है क्या वो उसको अपने हिसाब से बेच सकता है? अगर मान लीजिए किसी को उसने बेच दिया है तो उस कंडीशन में क्या सी कोर्ट में दावा कर सकता है कि जो बी ने जो प्रॉपर्टी बेची है और जो उसने जो रजिस्ट्री कराई है वो रजिस्ट्री कैंसिल किया जाए और उसमें बी को अधिकार ही नहीं है उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए? तो साथियों यहाँ पे अगर बी प्रॉपर्टी को बेच देता है तो कोर्ट में सी दावा कर सकता है, और सी के दावा के आधार पर यहाँ पे सी को साबित करना पड़ेगा कि बी ने जो प्रॉपर्टी बेची है वो उसकी सेल्फ अर्निंग प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसकी पैतृक संपत्ति है, उसकी पैटर्नल प्रॉपर्टी है, इसलिए उसमें सी का भी हिस्सा है। अगर सी कोर्ट में साबित कर देता है कि बी ने जो प्रॉपर्टी बेची है किसी भी व्यक्ति को वो पैतृक संपत्ति है, तो वहाँ पे कोर्ट उसकी रजिस्ट्री को कैंसिल करने का आदेश दे देगी और जो उसने ट्रांसफ़र किया प्रॉपर्टी को वो शून्य हो जाएगा, मीन्स कि वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इस बारे में एक जजमेंट है, ये सबसे विवादित विषय है, और इसके लिए मेरे से लगभग 100-150 लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया होगा इसके लिए, इस बात को समझने के लिए। तो आप इस जजमेंट के जरिए इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया कि और उसने जो बी जैसा ही एक व्यक्ति था उसकी जो रजिस्ट्री किया था उसको उसने कैंसिल कर दिया और उसमें सी को उसने अधिकार दिया, वो भी पिता के जीवित रहते हुए। साथियों ये जो जजमेंट है ये अर्शनूर सिंह विरुद्ध हरपाल कौर एवं अन्य, ये 2019 का रिसेंटली का जजमेंट है। इसकी जो एग्जैक्ट वर्डिंग है आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, मैं आपको समझा भी देता हूँ कि संयुक्त अथवा सहदायी संपत्ति में सभी सह स्वामियों का समान अधिकार होता है और वे अपने हित का अंतरण कर सकते हैं किंतु किसी विशिष्ट भाग का नहीं, क्योंकि संयुक्त संपत्ति अथवा सहदायी संपत्ति में सहदायी सदस्यों का कोई निश्चित अधिकार हक एवं हित किसी विशिष्ट वक्त एवं भाग पर नहीं होता है, अर्थात संपत्ति के प्रत्येक भाग में सहदायी सदस्य का हक एवं अधिकार होता है। अतः ऐसी स्थिति में
किसी विशिष्ट संपत्ति का अंतरण वैध नहीं होगा एवं ऐसा अंतरण शून्य माना जाएगा। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई भी संपत्ति है जिसके किसी भी एक भाग को बी बेचना चाह रहा है तो वो नहीं बेच पाएगा, क्योंकि बी एवं सी का पूरे संपत्ति पे समान और बराबर अधिकार होगा। अगर उनके बीच बंटवारा हो जाता है तो उस कंडीशन में वो बेच सकता है, लेकिन अगर अभी भी वो पैटर्नल प्रॉपर्टी चली आ रही है तो उस कंडीशन में वो उसको बेच नहीं पाएगा। और आप चाहें तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कोर्ट के थ्रू जो भी रजिस्ट्री हुई है उसको आप नल एंड वॉइड करा सकते हैं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप इस विषय को समझ गए होंगे। इससे जुड़े हुए कुछ और भी सब्जेक्ट हैं, और भी टॉपिक हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में। आपके अगर और भी कुछ सवाल हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को आपके जो भी जानने वाले हैं पच्चीस तक उसका शेयर करें, ताकि आपके शेयर करने से और आपको सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़े और साथ में मैं आपको सही जानकारी प्रदान करता रहूँ। धन्यवाद साथियों।